पता चल रहा है अच्छा याद है आप लोगों को आ, पिछले दिनों लाइव में बोल के क्या था अब ये हमें सीढ़ी बना के वहां तक जाना चाह और उसके खिलाफ खड़ा होना चाह रहा है तो खड़ा करते हो ब्लॉग डालते हो चलता नहीं है फिर आ जाते हो, औरतों पर फांकने के लिए अपनी औरतों को इंसाफ तुम लोग दे नहीं सकते दूसरों से इंसाफ लोगे हम करेंगे इंसाफ लेंगे थाथे फाथे। मेरा मैार नहीं हो तुम लोग मुझे बहुत कोशिश कर रहे हो तुम लोग मेरी जबान खराब हो कि अपनी औरत नहीं छोड़ी जिसको तूने वाइट पे जलील ना किया हो घरों में दे नहीं सकते बैठ जाती यहाँ पे हम तेज़ तेलें मेरे तो केस हो गए बचाओ मुझे लड़की हो आज मेरे तीन केस किए हैं बच्चों की गुल्लक तोड़ के खर्चे करने वाले मुझे नाज़रीन कैसे हैं? आप सब ठीक होंगे हो जान छोड़ी बहुत सारा प्यार उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे अपने खर्चे पे खुश होंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक ठोक दो क्योंकि होता है फ्री में तो कर दो ना आपका क्या जाता है कुछ नहीं जाता ना फ्री में होता है लाइक तो ठोक दो लाइक ठोको ताड़ी और ठोको लाइक दोनों ही हो गया तो ठोको ठोको ताड़ी वाली भी <laughs> शिकंजे में आ चुकी है हमारे साथ साथ इस पर करते हैं बात आ, मेरी ऑडियंस जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं जो हमारी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार इस बंदे को इग्नोर मूड पे डाल दो तो जी हाँ कोशिश करूँगी आज ये मेरा इस पर इस तरह का लास्ट रिएक्शन हो वरना मैं रिव्यू रिएक्शन देती हूँ मैं ये इस तरह की अबड़ तबड़ वाली चीज़ें नहीं करती मैं गुरहेज करती हूँ अच्छा जी ये मुसलसल तीसरा दिन है पोक कर रहे है और कह रहे हैं मैं केस करूँगा केस करूँगा केस करूँगा तो केस जो है ना चाचा अकबर के बाग में लगता है लटके होते हैं वो वहां से जाके या तो केस वहाँ पे कर देते हैं मार देते हैं ठोक देते हैं केस ये केस हो गया केस हो गया तो इधर मेरी बात सुन पहले इधर आ स्क्रिप्ट जो लिख के देता है वैसे ही बोल रहे हो तुम लेकिन हाँ बीच में तताबाता भी कर रहे हो और ये ऐसे बोलते हैं ना वैसे बोलते हैं ना पता नहीं भूल गया हूँ ऐसे ही बोलते हैं ना तो बात सुन ये केस केस की धमकी किसको लगा रहा है आसिम की बीवी को लगा रहा है वो तुम लोगों की सिरदर्दी है पढ़ो ना करो साढ़े सिरेज ही नहीं है दस लाख ये मुझे बता तो हम पे तो केस कर रहे हैं और ऑथेंटिक तो कह रहे मैं बस दो दो केस करूंगा इधर भी करूंगा उधर भी करूंगा और बेटी की गुल्लक तोड़ के खर्चे करने वाले तू हमें आगे धमकियां दे रहे हैं पहले तू ये बता पहले तू ये बता कि तू तो कल मुझे ताने दे रहा था कि बड़ी सितारा तेरी फेवर करती होती थी अब बताना कि सितारा तुम्हारी सपोर्ट करे सितारा जो है लाइफ में आई थी एक दफ़ा और कहती थी कि तुम्हारी ट्रोलिंग होगी तो अब भी फिर बोलो ना फिर तुम्हारी और ये ट्रोलिंग मतलब ये इस तरह से मेन्यूपलेट करके बात कर रहा था <laughs> पहली बात तुम कह रहे हो मैं केस कर रहा हूँ मैं इस पर कर रहा हूँ इस पर कर रहा हूँ दो दो जगह पे करूँगा उसमें जकिया का नाम है उसमें वर्दा का नाम है मेरा नाम है उसके बाद जो है एक आसम की वाइफ जो है उसके बारे में भी कह रहा है पता नहीं इनके क्या रोले चल रहे हैं क्या रफड़े चल रहे हैं पता नहीं वो इनको ब्लैक कर रहे हैं या ये इनको ब्लैक कर रहे हैं अल्लाह बेहतर जाने लेकिन लेकिन ये जो मेरी तुम बात कर रहे हो पहले मुझे इसका जवाब दे दो बल्कि तुम्हारे पास जवाब है ही नहीं ना ही दो तो अच्छा तुम भोंकने के लिए ही आओगे तुम्हें कुत्ता बांध दिया गया तुम्हारे मुंह पे और तुम वही डड्डू की तरह उछल रहे हो खूब मौजूद है हो इसने केस की बात की है तो पहले मुझे ये बताएं व्यूवर्स आप लोग खुद समझदार हैं दस लाख इसने लगवाया सितारा का दस लाख ठीक है जी दस लाख लगवाया था सितारा का केस के लिए कराची में वो दस लाख कहाँ गए वो केस क्यों नहीं करवाए थे तुमने तुम यहां पे तो औरतों को आते हो हरेस करने के लिए तुम ये बताओ अच्छा फिर कहता है करूंगा वर्दा तुम पे सौ करूंगा सू सौ सौ करूंगा अच्छा जी ये दस लाख कहां गए उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी तुम लोगों ने कराची में दस लाख हैं वो कहां गए हैं दस लाख हम पे केस करने हैं तूने कर शौक से कर लेकिन वो दस लाख उसके कहां गए फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी तुम ही थे ना आगे आगे तुम ही उन औरतों से मिलवाने वाले थे वो जो आ, अर्शी परशी जो भी थी तुम ही लेके गए थे तो वो दस लाख कहाँ गए उसकी कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी ये बता पहले अगर तेरे इतने सोर्सेज हैं इतने तुम्हारे जो है लंबे हाथ हैं तो बच्चों की गुल्लक तोड़ के खर्चे करने वाले हमें आ जाते हो हर दूसरे दिन धमकी देने के लिए छिछंदर से है मुंह उठाते आ जाते हो कराची थे तो, तो साली और साली की भाभी को तूने तुनके रखा हुआ था और तो भी तेरा बस चलता है जब यहां पे मर्द गालियां दे रहे थे उस टाइम तेरी जबान नहीं थी लड़खड़ाती थी उस तो तुम डरते थे अपनी खाला को क्यों ना इंसाफ दे सके तुम मुझे पता है तुम जानबूझ के हमें छेड़ते हो और जानबूझ के सितारा के बीच में टच देते हो कि किसी तरह सितारा और वो आए क्यों आए भाई उन्हें पता कि तेरे मुंह पे कुत्ता बांधा हुआ है किसी ने वो नहीं आएंगे और आए क्यों उन्हें पता तुम बेवकूफियां करते हो हर दूसरे दिन किसी के ऊपर भी बैठ जाते हो रिएक्शन देने तुमने तो उसकी भाभी पे भी दिए थे बड़ी कोशिश की थी तुमने नज्जो को गिराने की बड़ी कोशिश की थी मैं ये नहीं कहती नज्जो बहुत नेक पाक साफ है लेकिन इसने उसकी बहुत ज्यादा करेक्टर असैसिनेशन की थी याद है किसी को तो उन्हें पता था तुम किस हरकतों के मालिक हो अच्छा ये मुझे मेरे पे इल्जाम लगा रहा है मुझे बड़े को फोन करवा रही है ये मुझे खुदा की कसम लगे मैंने अगर किसी को कहा हो मैंने एक लफ्ज भी किसी को नहीं कहा कि मेरी मेरी सपोर्ट की जाए या इसको चुप करवाओ आ तेरा सौ डॉलर तो पूरा होने दे इसलिए तो हम पे तू रिएक्शन देता है बगैरत आ जाते हो मुंह उठा के बकवास करते हो पहले दस दस लाख का दे मुझे प्रूफ दे कहा लगाया तूने किधर लगाया तुमने सितारा के पैसे उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी तुम लोगों के अगर इतने बड़े हाथ हैं तो तुमने सितारा की सपोर्ट क्यों ना की क्यों नहीं की थी क्योंकि गाड़ी शाड़ी लेनी थी घर शर लिए थे हैं उधर करने थे इसने उधर लगाने थे पैसे मुंह उठा के आ जाते कैश करूंगा उठाते अगले दिन तेरी धजियां उड़ा रही थी एक औरत है उधर तो तू चुपचाप बैठा था उधर तो तुझे डर लगा हुआ था खौफ आ रहा था जवाब नहीं दे पाते उधर तुम मुंह उठाते हो इधर आ जाते हो बकबक करने के लिए बेशर्म बेहया ये अब दो औरतें लाए हैं और एक खुद खड़ा है बहु बहु बऊ बहु बऊ बहु कर ही जाएंगे करेक्टर जाएंगे। असैसिनेशन सीधी सीधी करेक्टर असैसिनेशन करते हैं ये लोग कोई लॉजिकल बात नहीं करनी इन्होंने और रन जो जिस रन के साथ इसने शादी की औरत के साथ उसके हस्बैंड के बेड पे बैठ के सांप असदहा बन के बैठा होता है डसने के लिए तुझे नींद कैसी आती है उस मर्द के बेड पे है किस तरह तुम लोग सो लेते हो तुम लोगों के ज़मीर मर गए क्या, क्या मैसेज दे रहे हो तुम लोग शादी से पहले इश्क लड़ाने वाले औरतों के साथ गंदी नजरें रखने वाले हम पे आ जाते हो तुम भोंकने के लिए तुम्हें शर्म हया नहीं है नमक हराम लोगों बेहया लोगों मुझे पता है जिस तुम लोग उससे कर रहे हो मैं कहती हूं यही लोग तेरी बजाएंगे यही बजाएंगे पता चल रहा है अच्छा याद है आप लोगों को आजकल पिछले दिनों लाइव में बोल के क्या था मैं बड़ा खुश था साजिद और सितारा की बजाएगा लेकिन फिर रुक गया था यह पता नहीं क्यों रुक गया था अब ये हमें सीढ़ी बना के वहां तक जाना चाह रहा है और उसके खिलाफ खड़ा होना चाह रहा है तो खड़ा हो जा जो आम चूस लिया ना बाकी उन्हें तू भी चूस लेना ठीक है ना अपने किरदार तुम लोगों के साले नंगे हुए पड़े हैं तेरा बाप तुझे कह रहा है कि तू कहता मैं हकूक पूरे करूंगा वो तो तू कर ना सका तेरे में इतना तप्पड़ तो है नहीं कि तू हकूक पूरे करे कभी सड़कों पे बैठा होता था तो कभी कहां बैठा होता था और औरत को लेके कभी किसके पास जाता था कभी किसके पास जाता था तेज कलूंगा ये जनाब घर का किराया पूरा करने के लिए बैठा है यहां से ये पैसे कमा के जाएगा औरतों को गालियां दे दे के फिर किराए पे मकान लेगा तेज कलूंगा तू दस लाख का बता पहले सितारा का दस लाख कहां किया तूने उधर केस नहीं किए थे क्यों ना हुई कार्रवाई क्यों ना हुई है बता मुझे तो वो भी याद है जब तुम्हें कॉलेज आई थी और डरे फिर रहे थे हैं बताओ गाड़ी की किस्तें गाड़ी की किस्तें देनी है मैंने तो फिर मैंने ना जो डॉलर इकट्ठा करना है मेरे पैसे ही नहीं पूरे हो रहे वो तो बकबक -बक तुम करते थे अब भी ऐसे करते हो ब्लॉग डालते हो चलता नहीं है फिर आ जाते हो औरतों पर भांगने के लिए ताकि लोग आए मुझे देखे मैं क्या बकबक -बक कर रहा हूं बेशरम अपनी औरतों को इंसाफ तुम लोग दे नहीं सकते दूसरों से इंसाफ लोगे लेंगे फाथे बक बक करने आ जाते हो हर दूसरे दिन बक बक करने आ चाचा अकबर के बाग में लगे हुए केस वहां से जाके तोड़ आते हो तुम केस फिर आके दिखाते हो यहाँ पे अपनोचे चपेटूदा और जो सलवारे तुम्हारी उतार रहे हैं ना औरतों की उन... इधर आ जाते तुम बक बक करने बेश लिहाज तो, तो माँ के भी गिनने बैठ गया था बहन के गिनने बैठ गया था तू तो बीवियों तो के गिनने बैठ गया था जिसके दुम के ऊपर तुम नाच रहे हो पहले उनके घर के खर्चे पूरे होने दो ठीक है ना उनके तो अपने घर के खर्चे पूरे नहीं होते जुबान मेरी खुलवाते हो तुम और मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी से मैं इतनी गई गुजरी नहीं हूं कि मैं लोगों से फोन कराऊं कल एक, एक चवल जहान की बैठी थी वो आ, कह रही थी से लगवाई है दोफा दूर तुम लोगों के मुंह पे थू है।, थू है भाई मैं क्यों लगवाऊंगी उनके जो चैनल है मेरे पास है उनको जबाने नहीं लगी हुई है जब मुंह की खानी पड़ती है तुम लोगों के तो फिर मुल्तानी ने क्या होगा मैं तुम लोगों को इतने जोगा भी नहीं समझती इतने जोगा समझू ठीक है ना मेरा मयार नहीं हो तुम लोग मुझे बहुत कोशिश कर रहे हो तुम लोग मेरी जबान खराब हो लेकिन अभी भी मैं लिहाज कर रही हूँ ये याद रखना अभी भी मैं लिहाज कर रही हूँ तुम लोगों को खुद को, को अपने खानदान वाले मुंह नहीं लगाते आ जाते हो फिर यहां पे भौंकने के लिए बतबक करने अपनी असलियत दिखाने तुम लोगों को कौन मिलेगा कौन से लोग होंगे जो ऐसे मर्दों को मिलेंगे ऐसे लोगों को जो है घर में घुसाएंगे अपनी बीवी के साथ आया हुआ था तो इसने फोन किया कि बाजी, हम आपके घर आना चाहते हैं आप कोई मेहमान अगर कर, फोन तो बंदा नहीं बुलाता चलो भाई आ जाओ हम खाना खिला देते हैं आपकी दावत कर देते हैं फिर इनको आने दिया था उसके बाद ये दो दफा शायद मुल्तान आया हमने इसे फोन नहीं किया ना इसको कहा है इतना बद जबान है ये सुकून से ये लोग ना खुद रहते हैं ना दूसरों को रहने देते हैं बद किरदार इंसान हर दूसरे दिन मुंह उठाता है आ जाता है औरतों कि के किरदार कशी करने पहले तूने अपनी मामी को ना छोड़ा अपनी बड़ी खाला को ना छोड़ा अब छोटी खाला के पीछे पड़ा हुआ है उसके पीठ पीछे जो तू चीजें करता है तेरी वैसे निकली है साफ पता चला तू सितारा से किस तरह से बात करता है बदतमीजी के साथ गालियां देते हो तुम साजिद को गंदी गालियां दे रहा था पैसों का लालची तू है तेरे मेहिर से पैसों की लालच तेरे में ही है और ये यकीन कर ये जितना पैसे के पीछे भागेगा पैसा इससे उतना आगे भागेगा नियत को मुराद होती है नियत को मुराद होती है कभी साजिद के खिलाफ पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग करता है कभी सितारा के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करता है अब ये मुझे ताने दे रहा था तो फिर आए ना अब तुम्हें बचाए ना फिर तू बंदे खाता है तेरे से डर जाए बदतमीज हाथ कोई खानदान की अपनी औरत नहीं छोड़ी जिसको तूने वाइट पे जलील ना किया हो अपने हकूक तुम घरों में दे नहीं सकते बैठ जाते यहाँ पे हम तेज तले दे तेस तले दे हाई मैं लुटी गई मेरे तो केस हो गए बचाओ मुझे लड़की हो मुझे लगता कि तुम अपनी रन को केस पे लगा देगा केस और केस वो हॉस्पिटल में जाके लोगों के केस किया करेगी फिर घर आके बताया करेगी डुड आज मैंने तीन केस किए हैं ये मकाम आने वाला है तुम लोगों पे और जिसके नील कलाइया नील का है नीलो नील वो आके केस किया करेगी औरतों के हॉस्पिटल में जाके वो करीब जॉब लगेगी कितने दिन भौकोगे कितने दिन भौकोगे तुम लोग हैं नाच नचैया कितने दिन नचोगे वाइटी पे आके तुम लोग एक्सपोज हो चुके हो तुम लोग किसी के भी नहीं हो नमक हराम लोग हो तेरी खाला ने तुम लोगों को चैनल बना के दिया तुम लोगों को कहा खुदारा काम से काम रखना लेकिन तुम लोग भाकने से बाजी नहीं आते जो नंगी गालियां देती हैं उनको ये कभी भी जवाब नहीं देते कभी भी नहीं जवाब देते मुंह उठाते आ जाते हैं यहां पे बोलने के लिए इनको पता नहीं ये गालियां नहीं देंगी साले। आ जाते ते तो लूडा बच्चों की गुल्लक तोड़ के खर्चे करने वाले मुझे ताने दे रहे मेरे मुझे धमकियां दे रहा है डेली आ जाता धमकी दे लेके अपनी डेली औ खो चल औरत बैठ जाती है मोबाइल पकड़ के और ये जो है उससे रिएक्शन दे रहा होता है नाग सांप सांप नाच रहा होता है नाच रहा होता है बेहया चले मुझे इजाज़त दे मैं कोशिश करूंगी ये मेरा लास्ट हो मैं इसको आइंदा जवाब इस तरीके से ना ही दूँ इसको इग्नोर मोड पे रखूँ ये जो है वो बाकी लोग जिस तरह कह रहे होते सद का खाना है व्यूज लेते हैं तो मुझे वैसे अच्छा तो नहीं लगता लेकिन हाँ ये पता नहीं क्यों इस तरह कर जरूर रहा है व्यूज़ की खातिर कुछ भी कर रहा है सुबह ब्लॉग डालते हैं समझ नहीं आती दूसरों को ताने देने वाला है दूसरों को ताने देते हैं इतने भी डेटा डालते हैं उतने खुद डाल रहे होते हैं ये खुद वही काम कर रहे होते हैं और दूसरों पे तनकीद दूसरों पे तनकीद कर रहे होते तो खुद वही काम कर रहा है हैं तेरी छाली भी देती तेरी ठम्बो भी लच्छो वो भी सुबह भी नाच रही थी धमाले डाल ऐसे कर रही थी अपने आप पे भी कभी किसी ने इल्जाम दिया है तुम लोग दोगे कभी भी नहीं तुम लोगों ने जो कांड किया है ना तुम लोगों को वो सोने नहीं दे रहे अभी तुम लोग बेचै बेचैन रूए हो बेचैन और खबरदार इस बंदे को किसी ने घुसाया ये बहुत गंदा फंसने वाला है बहुत गंदा फंसने वाला है तुम लोग भी फंसोगे वरना इसके चक्रों में दुश्मन सांप नमक हराम चले जी ठीक है ओके अल्लाह फिज कोशिश करूंगी ना दूं जवाब इसको अब अब मेरा ये लास्ट है और मैं किसी से डरती नहीं हूं ठीक है ना ये किसी से मैंने सुना मिलता नहीं फोन करा रही है मुझे कसम लगे अगर मैंने किसी से फोन करवाया हो या किसी से इस तरह से बात की हो मैं क्यों कहूं मैं क्यों कहूं किस वजह से कहूं मैं डरती हूं तेरे से कि मैं कॉल करवाऊंगी किसी से के ये झूठ बोल रहा है मुसलसल झूठ बोल रहा है ये बंदा झूठा झूठे पे अल्लाह की लानत हो जो इल्जाम लगाते हैं बाकी ओके जी अल्लाह हाफिज